भारत का राजनीतिक माहौल इतना खराब हो गया है कि अब इस देश का प्रधानमंत्री मंदिर मस्जिद के अलावा मछली जैसे मुद्दों पर भी आकर खड़े हो चुके हैं। नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना अब किस मनसा से वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो। मतलब पहले तो मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान राजनीतिक मुद्दा था ही, अब मछली मटन ये राजनीतिक मुद्दा बन गया है। और ये राजनीतिक मुद्दा किसी चुटपुंजी नेता ने नहीं बनाया है, बकायदा इस देश के प्रधानमंत्री जिसे पूरे विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता कहा जाता है या स्वघोषित हैं, उन्होंने अब राजनीतिक मंचों से किसी के मछली खाने पर भी टिक्का टिप्पणी शुरू कर दी। हालांकि ये बार बार चीख चीख कर जो भाजपाई हैं वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री 24 घंटे में 18 घंटे काम करते हैं, नरेंद्र मोदी जी 24 घंटे में 18 घंटे काम करते हैं, और उन 18 घंटे में उनको इतना फुर्सत मिल जाता है कि वो फेसबुक यूट्यूब या रील्स देखते हैं जहां कोई नेता मछली खाकर अपने लोगों समर्थकों को या अपने विरोधियों को कुछ संदेश देना चाहता है। नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना अब किस मनसा से वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो। मसला ऐसा है कि कुछ दिन पहले एक वीडियो आया जिसमें मुकेश साहनी जो वीआईपी पार्टी है बिहार में उसके अध्यक्ष हैं, नेता हैं, और एक तरफ तेजस्वी यादव जो लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं और बिहार के उपमुख्यमंत्री हैं, राजद के नेता हैं, उन दोनों ने एक वीडियो सोशल मीडिया में अपलोड किया या उनका एक वीडियो बाजार में आया, वायरल चला, जिसमें मुकेश साहनी के साथ तेजस्वी यादव मछली खाते नजर आ रहे हैं। अब मौसम माहौल जो था वो रामनवमी का था, अब उस माहौल को देश के प्रधानमंत्री भंजाते नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो भी ऐसा प्रधानमंत्री जिसकी पार्टी बीफ काटने वाली कंपनी से चंदा लेती है, वो प्रधानमंत्री मछली खाने पर, वो भी इस नवरात्र के महीने मछली खाने पर बवाल काट रहे हैं। और ये बेशर्मी इतनी ज़्यादा है कि उनके चेहरे पर वो शर्म दिख भी नहीं रहा। भाजपा बीफ यानी गाय का मांस या भैंस का मांस काटकर बेचने वाली कंपनी से चंदा लेती है, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से आपको पता चला है, और दूसरी तरफ मछली रामनवमी के माहौल के दौरान, नवरात्रा के दौरान तेजस्वी यादव और मुकेश साहनी खा रहे हैं, उस पर प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री मंचों से बवाल काटता है। आप सोचिए कि इस देश का राजनीतिक माहौल कितना खराब हो चुका है। अब महंगाई की बात नहीं होगी, युवाओं के रोजगार की बात नहीं होगी, और अब किसी भी प्रकार के विकास के मुद्दे पर कोई बात नहीं होगी। 10 साल मोदी जी क्या किए हैं इसका भी जिक्र अब मोदी जी अपने मंचों से करना छोड़ दिए। आपको याद होगा कि जब 2014 का लोकसभा चुनाव चल रहा था, अब की बार मोदी सरकार के नारे दिए जा रहे थे, तब यह कहा जा रहा था कि इतना पैसा है स्विस बैंक में कि अगर वो आ जाएगा, काला धन इतना है कि अगर वो आ जाएगा तो धरती से स्वर्ग तक की नोटों की सीढ़ी बन जाएगी। वो नोटों की सीढ़ी शायद बन रही होगी, सेंटरिंग कहाँ तक पहुँचा इसकी कोई जानकारी नहीं। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी, इसकी कोई जानकारी नहीं है। और कई वादे किए गए थे, महंगाई घटा देने की बात हुई थी, वो सब पता नहीं कहाँ चल गया। अब वो मुद्दे नहीं है, अब मुद्दे क्या हैं? मुद्दे हैं कि कोई मछली खा ले रहा है। अब सोचिए कि इस देश का प्रधानमंत्री किसी नेता के मछली खाने पर टिप्पणी कर रहा, उसके पास इतना फुर्सत है, और वो प्रधानमंत्री 18 घंटे काम करते हैं, पता नहीं कैसे और क्या करते हैं, तो ये एक सवाल है। और दूसरा कि प्रधानमंत्री पर चुनाव आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए कोई एफआईआर दर्ज भी नहीं किया जा सकता है, ना कराया जाता है। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति पर निजी टिप्पणी भी आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में आता है, आदर्श आचार संहिता के अंदर आता है किसी व्यक्ति पर निजी टिप्पणी। तो किसी व्यक्ति का मछली खाना उसका व्यक्तिगत है, सार्वजनिक नहीं है, निजी है, उस पर इस तरीके की टिप्पणी आचार संहिता का उल्लंघन चुनाव आयोग को नहीं दिखा पड़ता। दूसरा बात
धर्म धर्म का जिक्र लगातार हो रहा है उस पर भी चुनाव आयोग को नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन झारखंड के अंदर आदिवासी अपने दर्द की आवाज को बुलंद करेंगे, अपने जंगलों को कटते हुए वो झांकियों के माध्यम से विरोध दर्ज करेंगे तो उस पर FIR हो जाएगा। लेकिन मोदी जी धर्म धर्म करके चुनाव जीतना चाहते हैं, धर्म धर्म करके चुनाव में प्रचार कर रहे हैं, उस पर आचार संहिता का उल्लंघन नहीं दिखाई पड़ता। दूसरा बात, इस प्रदेश के अंदर एक नेता है निशिकांत दुबे, जिनका अपना कैरेक्टर क्या है वो नहीं जानते हैं, लेकिन दूसरे के कैरेक्टर और दूसरे के पारिवारिक चुगली पर बड़ा मजा लेते हैं। पिछले कुछ दिनों से वो कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन, चंपई सोरेन और सीता सोरेन के इर्द गिर्द ही अपना पूरा ट्वीट और अपना ट्विटर पोस्ट रखें, यानी एक्स का ट्विटर, एक्स जो हैंडल है उसका पूरा पोस्ट रखें, आप निकाल कर देखिए। कभी वो कल्पना सोरेन और बसंत सोरेन के बीच के घर के मसले बताते हैं, कभी कल्पना सोरेन, बसंत सोरेन और चंपई सोरेन के, हेमंत सोरेन के बीच जेल में क्या बातचीत हुई वो बताते हैं, क्या फरमान निकला वो बताते हैं। क्या चुनाव आयोग को ये नज़र नहीं आ रहा है कि यह आचार संहिता के उल्लंघन के अंदर आता है, या आदर्श आचार संहिता के अंदर आता है कि एक व्यक्ति खुलेआम दिन भर निजी टिप्पणी कर रहा है, कभी कल्पना सोरेन का नाम लेके, कभी बसंत सोरेन का नाम लेके, कभी कल्पना सोरेन, चंपई सोरेन का नाम लेके, कभी हेमंत सोरेन का नाम लेके। हम कुछ कुछ पोस्ट आपको पढ़ा देते हैं, क्या नाम है माननीय निशिकांत दुबे जी का, जो वोटर हैं भागलपुर के और चुनाव जीतते हैं गोड्डा से। वो लिखते हैं कि मधुकोड़ा के बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी कुलान के दूसरे नेता होंगे जिनको सोरेन परिवार यानी हेमंत सोरेन जी ने बेइज्जत करने का फैसला किया है। हेमंत सोरेन ने फैसला किया है जेल से, और जो निशिकांत दुबे हैं इनको फैसला पता चल गया। आप सोचिए कि किस तरीके का ये राजनीति का स्तर गिरा चुके हैं अपना, कि किसी नेता के दिमाग में क्या चल रहा है, पेट में क्या चल रहा है, वो भी इनको पता है। मधुकोड़ा को हटाकर गुरुजी मुख्यमंत्री बने और मधुकोड़ा को जेल भेजा, अब चंपई सोरेन जी को हटाकर कल्पना सोरेन उम्मीदवार, कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। चाबासी के लोकसभा उम्मीदवार बिना मुख्यमंत्री के जानकारी के घोषणा हो चुकी है, कारण चाईबासा हार का बहाना मुख्यमंत्री को हटाने के लिए काफी है। सूचना के अनुसार नाराज आंदोलनकारी मुख्यमंत्री अब 4 दिन अपने विधानसभा क्षेत्र में रहेंगे घोर अनर्थ। आप ये बताइए कि निशिकांत दुबे जी, आप जो इतना इंटरनल बात ट्विटर के माध्यम से लिख रहे हैं, आप कहे कभी लिखे कहे नहीं कि भाजपा, जिस पार्टी के आप सिपाही कहे जाते हैं, भाजपा ने कितना चंदा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के माध्यम से गाय काटने वाली या बीफ काटने वाली, बीफ काट कर बेचने वाली कंपनी से लिया, इसका भी ट्वीट कभी लिखते? आप ब्राह्मण जाति से आते हैं, क्यों नहीं लिखे इस बात को? इस बात को बताना था कि आपकी पार्टी ने कितना सफाई अभियान चलाया है, कितने लोगों को करप्ट बताते हुए अपने अंदर ही समाहित कर लिया। ये लिखाते कि पहले ED का छापा पड़ता है, CBI की रेट पड़ती है, इनकम टैक्स दावा बोलती है, और उसके बाद वो BJP में शामिल कर लिए जाते हैं। कई बड़े बड़े नाम हैं, इस पर भी हमको लगता है कि का ट्वीट कर देते तो आपका जो ओछापन है और आपको, आपके अंदर का जो हल्कापन है वो थोड़ा मजबूत होता। आगे बढ़ते हैं, फिर वो ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि कांग्रेस को एक खास धर्म के प्रति प्यार और हिंदू से खास समस्या है, एक पेपर कटिंग लिखाते हैं। जनता ये समझ गई है कि इस बार इनका हार और खराब होने जाने वाला है, और हेडिंग लिखा है कि ऋषिकेश में प्रधानमंत्री ने कहा कांग्रेस का हिंदू धर्म को तबाह करने का प्रयास। क्या चुनाव आयोग को ये नहीं दिखता है कि धर्म का इस्तेमाल राजनीति में किया जा रहा है? क्या निशिकांत दुबे और प्रधानमंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या चुनाव आयोग की चाबी ही इन लोगों के पास है? ये तो एक बड़ा सवाल। आगे बढ़ते हैं, फिर ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के बारे में फिर चीज़ें लिखते हैं कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, चंपई सोरेन को अलग कर दिया जाएगा। डॉक्टर निशिकांत दुबे लिखते हैं 10 अप्रैल को, पिछले 2 दिन झारखंड के मुख्यमंत्री जी की सरकारी या पार्टी कार्यक्रम में नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसा है निशिकांत जी कि वही काम हर दिन सरकारी, जब जब आचार संहिता है इस राज्य के अंदर, इस देश के अंदर, तो एक मुख्यमंत्री उस आचार संहिता के अंदर ही आता है,
तो उसी तरीके से पार्टी के और कार्यक्रमों में जाएगा। हालांकि उसके दूसरे दिन ही 10 तारीख का पोस्ट है और उसके दूसरे दिन यानी 11 तारीख को मुख्यमंत्री सरोल जुलूस में दिखाई पड़े हैं, लेकिन इनको तो कहना था सिर्फ। इन्होंने और एक बात कही थी कि अगर प्रदीप यादव बीजेपी में कांग्रेस में चले जाएंगे, अगर प्रदीप यादव को कांग्रेस में लिया जाएगा तो कई कांग्रेस के विधायक टूटकर उनके संपर्क में आ जाएंगे, ये बात भी उन्होंने कहा। सूचना अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने उन्हें कल्पना सोरेन जी के लिए मुख्यमंत्री छोड़ने का फरमान जारी किया है। सीता सोरेन जी, लोबिन जी और चमरा लिंडा जी ने निर्णय ले लिया खेला हो गए। जिस ममता बनर्जी के विचारों को गाली दे दे के भाजपाइयों का वजन ऊंचा हुआ है, वो ममता बनर्जी के नारे का ही इस्तेमाल कर रहे हैं खेला हो गए। निशिकांत दुबे जी, आपका IQ थोड़ा हमको लगता है जांच करने की आवश्यकता। तो ऐसे व्यक्तिगत जो टिप्पणियां की जा रही हैं व्यक्तिगत तौर पर नाम ले लेकर, क्या यह आचार संहिता के उल्लंघन का मामला नहीं बनता है? इसमें क्या इसको चुनाव आयोग को नहीं देखना चाहिए? हालांकि इस देश में अब बहुत चीजें ठीक नहीं है, सरकारी संस्थाएं बहुत बेहतरी से तो काम नहीं कर रही है, सबको पता और सब इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा काम है कि हम इन पर सवाल उठाएं और आप तक उन बातों को लेकर आएं। इस वीडियो के माध्यम से हम जो बातें आप कर ले आए हैं, आप उसकी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से दें कि एक देश का प्रधानमंत्री अब मछली, मटन, चिकन इस पर बात करेगा, और वो प्रधानमंत्री जिसकी पार्टी गाय काट कर यानी बीफ बेचने वाली, भैंसा बेचने वाली कंपनी से चंदा लेती है। हालांकि बहुत कुछ अब कहने को रहा नहीं है, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है और आप इस बारे में क्या सोचते हैं। बाकी मिलते हैं, जोहार।